उसका कारण है, किसी शायर ने लिखा, मोहब्बत का इम्तिहान आसान नहीं, मोहब्बत का इम्तिहान आसान नहीं और प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, मुद्दतें बीत जाती हैं किसी के इंतजार में, मुद्दतें बीत जाती हैं किसी के इंतजार में, ये सिर्फ पल दो पल का काम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि मुझे लगा थोड़ा सा विषय से हटकर गा दे तो अच्छा भी लगेगा और कार्यक्रम में एक रौनक बनी रहेगी जो रात भर से बनी है। बस टाइम हो गया है और मुझे अपनी तरफ से कार्यक्रम खत्म करना है, तो चलते चलते बस दो लाइनें रख रही हूँ और उसके बाद अपनी तरफ से कार्यक्रम खत्म करूंगी। तो सोच रही हूँ वो दो लाइनें कौन सी चुनूं, तो मुझे लगता है दो लाइनें माँ की ये बनती हैं, वो माँ जो हमें जन्म देती है। इस माँ को थैंक यू, इस माँ को हम लोग यहाँ पूज रहे हैं, लेकिन कभी कभी अपनी जन्म देने वाली माँ को भूल जाते हैं। गीत आपका सुना हुआ हो सकता है, बस बात सिर्फ ये है कि इसको दिल से महसूस करके मैं आपके सामने गाने जा रही हूँ। तू कितनी अच्छी है, oh।
माँ को कुछ पंक्तियां अर्पित की। चार पंक्तियां आपको ऐसे ही सुना रही हूँ, सुनिएगा। एक बचपन का जमाना था, एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पानी की थी पर दिल तितली का दीवाना था। खबर न थी कुछ सुबह की न शाम का कोई ठिकाना था। थक कर आना स्कूल से पर खेलने भी जाना था। माँ की कहानी थी परियों का फसाना था। बारिश में कागज की नाव थी और हर मौसम सुहाना था। ऐसा वो बचपन का जमाना था। बहुत बहुत धन्यवाद है और बस भगवान भोलेनाथ को याद करते हुए कार्यक्रम का समापन करूंगी। आप मेरे साथ भगवान का नाम ले सकते हैं। बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले एक साथ तालियों की आवाज आए। उम्र कम तो होनी नहीं है। बहुत अच्छा लगा यहाँ गाकर।
टिकैत नगर घर जैसा है, बाराबंकी घर जैसा है। मुझे बाराबंकी से बहुत सपोर्ट मिला। मैंने अपने जीवन के शुरुआती कार्यक्रम बाराबंकी में ही ज्यादातर किए, तो मैं उन सब लोगों का आभार व्यक्त कर रही हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे पद्मा शर्मा बनाया। आज लोग नाम से जानते हैं, ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है, तो सभी को धन्यवाद दे रही हूँ। और महामाया से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, फिर कभी ईश्वर चाहेंगे तो हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए मैं पद्मा शर्मा अपने इस छोटे से संगीत परिवार जिसका नाम है पद्मिनी पद्मा संगीत परिवार कानपुर मुंबई आपसे विदा लेती हूँ। किसी को विजिटिंग कार्ड चाहिए हो या नंबर चाहिए हो तो ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को दे रही हूँ। अचानक जैसे हनुमान जी नहीं कूद गए थे आकर अशोक वाटिका में, सीता जी एकदम संग, अरे तो बिल्कुल वही उसी तरह से आप आ गए हैं। फोन पर ही आपसे बात हुई, कब बात हुई थी और मुझे नहीं मालूम था कि कभी इस तरह भेंट हो जाएगी, तो इसके लिए धन्यवाद है। और उससे ज्यादा अच्छी बात मुझे आपके नेचर की ये लगी कि आपने तुरंत जिस काम के लिए आप जाने जाते हैं आपने तुरंत उस चीज का प्रयोग किया, तो ये टैलेंट, ये क्वालिटी होती है व्यक्ति की। थैंक यू। मैं प्रयास करूंगी आगे जहाँ कार्यक्रम हो वहां पर हम लोग मिल पाए, ये मेरा भी प्रयास रहेगा। जितने भी आपके साथी हैं और जितने भी आज कीर्तन के लिए आए थे सभी को धन्यवाद है। भैया कहीं हमें भी कार्यक्रम में अपने साथ ले लिया करें, नहीं सच्ची कह रहा, तो हमें भी थोड़ा बहुत आपके साथ गाने का मौका मिलेगा। इतने साल से गा रहे, थोड़ा बहुत और गा ले, फिर अब हम लोग भी नए नए बच्चे आ रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, तो हम ही लोग थोड़े गाते रहेंगे, उनको भी गाना है। अभी जो थोड़ा बहुत टाइम बचा है तो थोड़ा देखिएगा, कृपा बनाइएगा तो आपसे भेंट हो जाएगी। धन्यवाद।